कर लेते हैं इटावा जिले की, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें और सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार वीरेश मिश्रा का अनुमान क्या है वो बताते हैं। देखिए उनका एग्जिट पोल सामने है, 3 में से 2 सीटें उस सभा को दे रहे हैं, 1 सीट भाजपा को दे रहे हैं। इटावा की 3 विधानसभा सीटों में मेरी दृष्टि से जसवंत नगर समाजवादी पार्टी है ही क्लियर, उनके खाते में जाएगी, और भरथना सुरक्षित सीट भाजपा को जाते दिख रही है। इटावा में अभी कुछ कह नहीं सकते, इटावा में तीनों राजनीतिक दलों में कोई भी नहीं। और वरिष्ठ पत्रकार विशुन यादव का क्या एग्जिट पोल है वो हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, वरिष्ठ पत्रकार विशुन यादव जो कि इटावा की 3 में से सपा को 3 सीट दे रहे हैं, क्लीन स्वीप बता रहे हैं। मेरी दृष्टि में अगर देखा जाए तो इटावा जिले की 3 सीट सपा के खाते में जाने को है, बाकी निर्णायक जनता है, जब वोट खुलेंगे दिखाई पड़ेगा। और अब वरिष्ठ पत्रकार मसूद जी क्या कह रहे हैं, मसूद तैमूरी, उनका आकलन और उनका एग्जिट पोल हम आपको बताते हैं। तो इटावा की 3 सीटों में से 3 की 3 सीट वो सपा को दे रहे हैं, क्लीन स्वीप बता रहे हैं। और यहाँ हमेशा समाजवादी जीतते रहे हैं, और मुलायम सिंह का प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परिवारों से बड़ी घनिष्ठता भी रही है, उसका भी बेनिफिट मिलता रहा है पिछला इलेक्शन। तो इटावा के 3 पत्रकारों का एग्जिट पोल आपने देख लिया, और एग्जिट पोल में भाजपा को 3 सीट पत्रकारों की तरफ से दी जा रही है, तो ये पूरा आंकड़ा सामने है। और बड़ी खबर के लिए स्नेहा आपके पास। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा अवधेश, यही बड़ी खबर है। जहां सपा का गढ़ कहा जाता है इटावा को, तो यहां के जो खांटी पत्रकार जो मिट्टी से जुड़े हैं, उनका यही कहना है भाई कि 1 भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो इटावा के 3 बड़े पत्रकारों से हमने सवाल किया, तो भाजपा को 3 सीट, तो ये बड़ा आकलन है।